बहन जी पर आरोप लगाया जाता है कि वे स्वार्थी हो गई हैं, वह किसी और को सत्ता में आने नहीं देना चाहती, इसलिए क्या आपको लगता है सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये जो है विरोधियों का, ये देश में बहुजन समाज की बढ़ती हुई ताकत को रोकने का उनका एक तरीका है। और जो लोग जो है आगे बढ़ने, बहन जी ने किसी को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है। और जो आज जो है बड़े बड़े स्तरों पर जो आज महासचिव सचिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए लोग हैं, उनको कभी जो है बहन जी की तरफ से ऐसा कोई रोकने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें बढ़ाने का काम किया। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उपाध्यक्ष बनाने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया, और हर स्तर के व्यक्ति को जो है उन्होंने बढ़ाने का काम किया। ये तो केवल जो है जो लोग ये बातें करते हैं वो विरोधी टाइप के लोग होते हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग होते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट बढ़ रहा है, उसे रोकने का तरीका है कि जो है बहन जी को किसी न किसी आरोप से उनको जो है लगाया जाए। और जो है बहुजन समाज पार्टी का एक डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, इसमें किसी तरीके का जो है कोई भी अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त होती। इसलिए बहन जी सख्त हमेशा रहती हैं पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो उन्हें कोई भी कुर्बानी देना पड़े वो देने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने का काम कोई नहीं कर सकता। ये बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है, वो बहन जी का ये लक्ष्य होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।